नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर जगत। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सुभाष चौराहे पर भारत चीन सीमा पर शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी। सपा कार्यकर्ताओं ने शहीद आजाद की प्रतिमा के सामने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए 2 मिनट का मौन रखा। श्रद्धांजलि सभा में सपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि दुख की घड़ी में पूरा देश शहीद के परिवार के साथ है, चीन के खिलाफ देश एकजुट है। सभा में शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद सपा कार्यकर्ताओं ने बैठक की और भारत सरकार की विदेश नीति पर सवाल किए। सभा में वक्ताओं ने कहा कि अब भारत सरकार को जानना चाहिए कि कौन पड़ोसी मुल्क मित्र है और कौन दुश्मन है। भारत सरकार को अमेरिका पर अंधविश्वास न कर ठोस विदेश नीति बनानी चाहिए। खबर जगत के लिए LN सिंह की रिपोर्ट। बलवान जो लद्दाख में शहीद हुए हैं, उन जामात सैनिकों की याद में आज हम लोगों ने 20 मोमबत्तियों को हम लोगों ने उनकी याद में जलाया। आज़ाद फाउंडेशन की तरफ से हम लोग आए थे और हम लोगों को सभी सदस्यों ने याद करते हुए जलाया और 2 मिनट का हम लोगों ने मौन रखा और उनके श्रद्धांजलि दी। क्या नाम आपका? मैं एडवोकेट उत्तम कुमार बैनर्जी, कोषाध्यक्ष आज़ाद फाउंडेशन।